हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलपमेंट इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे फर्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पम फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेलगेमिट टू टू पोलर न्यूक्लियाई रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पम जो सेकेंड मेलगेमिट होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पम का फॉर्मेशन होता है ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म्स नहीं होता है उनको एक्स एलब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म होता है उनको एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फर्स्ट वन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट इज वेरी कॉमन टाइप ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस अंडरगोस फ्री न्यूक्लियर डिविजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन इनिशियली जो ट्रिपाइन न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिवीजन होता है केवल न्यूक्लियस का और वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता इनिशियली स्टेज में लेकिन जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बाद उसमें वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है सेंट्रिपिटली सेंटर में जो होता है वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है और जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरीफेरल रीजन में अरेंज हो जाते हैं तो जितने भी न्यूक्लिया बने होते हैं किनारे की तरफ अरेंज हो जाते हैं बीच में एक वॉल बन जाती है जिससे बीच का पोर्शन जो होता है उसमें एक वेक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है एग्जाम्पल केपेला बर्सा पेट्रोरिस पेस्टोरिस इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पोम सबसे पहले जो ट्रिपलाइड न्यूक्लियस होता है जिसको एंडोस्पम न्यूक्लियस कहते हैं ये डिवाइड होता है अब जब ये डिवाइड होता है तो केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है मतलब इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया और न्यूक्लियस बहुत अधिक क्वांटिटी में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया अब डिवाइड हो जाने के बाद इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है तो ये जो वॉल होती है इस तरह से सेंटर में वॉल बन जाती है और जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरीफेरल रीजन में अरेंज हो जाते हैं अब बीच में वॉल बन जाने के कारण अंदर जो है वेक्टुल फॉर्म हो जाता है तो इस तरह से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंड सेल्युलर एंडोस्पॉम्स इन सेल्युलर एंडोस्पम द प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियसर द माइट्रोटिक डिविजन ए कंपनीड बाय द वॉल फॉर्मेशन सो डेट द एंडोस्पम इज सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग जो सेल्युलर एंडोस्पम्प होते हैं इसके अंदर जो ट्रिप्लाइड एंडोस्पॉम न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है साथ में वॉल का फॉर्मेशन भी होता है एग्जांपल एडोक्सा पेप्रोमिया धतूरा पिटूनिया एक्सेट्रा इज फाउंड इन द में ये जो पाया जाता है सेल्युलर एंडोस्पम गेमोपेटेली के जो हैं, उसमें पाया जाता है यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ cellular एंडोस्पम जो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है साथ में इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन जाते हैं और इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता चल जाता है साथ में वॉल का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो एंडोस्पम बनता है उसको सेल्युलर एंडोस्पम कहते हैं हेलोबियल या इंटरमीडिएट एंडोस्पम हेलोबियल टाइप इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पम आफ्टर द फर्स्ट डिविजन द अपर लार्जर सेल लाइक द न्यूक्लियर टाइप एंड लोअर स्मॉलर सेल डेवलप द लाइक द सेल्यूलर टाइप एस इन ऑर्डर द दल इसके अंदर जो होता है ऊपर के जो पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है लेकिन नीचे के पार्ट में सेल्यूलर डिवीज़न होता है ऊपर की जो न्यूक्लियस डिवीज़न होता है उसमें केवल न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं फिर उसके बाद वॉल का फार्मेशन होता है और नीचे वाले में न्यूक्लियस के साथ साथ वॉल का फार्मेशन भी होता है मतलब इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियर टाइप का भी होगा और सेलुलर टाइप का भी होगा दोनों मिक्स होते हैं इसलिए इसको हेलोबियल एंडोस्पम या इंटरमीडिएट एंडोस्पम कहते हैं एग्जाम्पल एसफोडस वेलिसनेरिया एक्सेट्रा यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ हेलोबियल या इंटरमीडिएट एंडोस्पम अब जो एंडोस्पम है ऊपर का जो पोर्सन होता है यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिविजन होगा केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन नीचे वाले पोर्सन में न्यूक्लियस के साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन भी होगा तो ऊपर के पोर्सन में केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है नीचे वाले पोर्सन में न्यूक्लियस के साथ वॉल का भी फॉर्मेशन होता है जब पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो ऊपर वाले पोर्शन में वॉल का फॉर्मेशन होता है लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है एज इट इज रहता है और एट लास्ट में जो एंडोस्पम बनता है इसको हेलोबियल या इंटरमीडिएट एंडोस्पम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियन डायकोट प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्से और ओवम एनवेलप्ड बाय सेल्यूल वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक्स सेल होती है उसके ऊपर सेल्यूलोस की एक वॉल बन जाती है मतलब एनवल बन जाता है जिसको स्पोर्स कहते हैं डिवाइडेड इनटू टू सेल्स जो उस स्पोर्स होता है डिवाइड होता है दो सेल्स में अपर सेल और लोअर सेल अपर सेल जो होती है इसको टर्मिनल सेल्स कहते हैं इन शॉर्ट में इसको टीसी कहते हैं लोअर सेल जो होती है इसको बेसेल्स कहते हैं और इन शॉर्ट में इसको बीसी कहते हैं टर्मिनल सेल्स लॉन्टनली डिवाइडेड इनटू टू सेल्स जो टर्मिनल सेल्स होती है ऊपर वाली लॉन्गिट्यूडनली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है बेसल सेल्स डिवाइडेड इनटू टू सेल्स सेल्स जो बेसल होती है ये भी ट्रांसवर्सली हो, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है बेसल सेल्स अगेन डिवाइडेड फोर सेल्स जो दो बेसल सेल्स होती है उसमें अगेन ट्रांसवर्सली चार सेल्स फॉर्म होती है टर्मिनल सेल्स डिवाइडेड इनटू फोर जो दो ऊपर की टर्मिनल सेल्स होती है वो भी डिवाइड होकर फोर सेल्स बनाती है नेक्स्ट वन फर्स्ट फर्स्ट बेसल सेल्स डिवाइडेड इनटू टू सेल्स अब चार जो बेसल सेल्स होती है उसमें ऊपर की जो सबसे पहली वाली बेसल सेल्स होती है वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है जिससे अब नंबर ऑफ बेसल सेल्स हो जाती है सिक्स टर्मिनल सेल्स पेरिक्लेनल डिवाइडेड टू फॉर्म एट सेल्स जो ऊपर की फोर टर्मिनल सेल्स होती है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे एट सेल्स बन जाती है जो आउटर फोर सेल्स होती है उसको डर्मेटोजेन कहते हैं जो सिक्स होती है उसमें जो पहली वाली होती है वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है तो अब बेसल सेल्स के जो नंबर्स हो जाएंगे वो कितने होंगे छह से आठ हो जाएंगे ल कॉल्ड हाइफोफाइसिस जो आठ बेसल सेल्स होती है उसमें सबसे पहले वाली जो होगी हाइफोफाइसिस होगी रेस्ट बेसल सेल्स इज कॉल्ड सस्पेंसर और उसके बाद वाली जो सेल्स होगी उसको सस्पेंसर कहेंगे इनर अपर टू टर्मिनल सेल्स डिवाइडेड अगेन एंड अगेन अंदर की जो ऊपर की दो टर्मिनल सेल्स होती है उसमें कंटिन्यूसली डिविजन होता है और terminal, cells, जो नीचे की दो टर्मिनल सेल्स होती इसमें कोई नहीं होता, वो रहती है Now, जो होती, वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है जो हाइफो सेल्स होती है वो वर्क करती है एम्ब्रियनल मास्क का और इस एम्ब्रियनल मास से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का सस्पेंस सेल्स कंटेंट एड सेल्स सस्पेंसर सेल्स के अंदर आठ सेल्स होती है ऊपर की जो चार सेल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है में। और दो कॉटिलीडन में और नीचे की जो चार सेल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है रेडिकल तथा हाइपोकोटाइल में सस्पेंसर के नीचे की तरफ वेस्टिकल होता है जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिमेनिंग टू टर्मिनल सेल्स वर्ट इन टू पेरिब्लेम एंड प्रीरोम जो ऊपर की टर्मिनल दो सेल थी वो कन्वर्ट हो जाती पेरिब्लेम तथा प्लीरोम के अंदर यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियन डायकोटिलीड फर्स्ट वन डायग्राम जो एक्सल होती है इसके चारों तरफ बन जाता है अब इसको कहेंगे अभी इस पोर्स में क्या होगा एक डिवीजन होगा तो ऊपर की तरफ होगा और दो सेल्स बनेगी और नीचे की तरफ जो सेल्स होती उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा और इसमें भी दो सेल्स बन जाएगी और नीचे की तरफ डेवलप होता रहेगा अब नीचे की जो बेसल सेल्स होती है डिवाइड होकर कितनी सेल्स बना लेती है फोर सेल्स बना लेती है और नीचे जो डेवलपमेंट होता है वेस्टिकल का होता है जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है अब उसके बाद ऊपर की जो टर्मिनल सेल्स होती है डिवाइड होकर फोर सेल बना लेती है और नीचे की जो सेल्स होती है उसमें पहली वाली जो बेसल सेल होती है ये डिवाइड होकर टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो नीचे की तरफ कितनी सेल्स बन जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेल्स और ऊपर की तरफ कितनी रहेगी फोर सेल्स और नीचे जो डेवलपमेंट होगा वो वेस्टिकल का डेवलपमेंट होगा यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्ट्रक्चर अब जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ऊपर की तरफ चार टर्मिनल सेल्स से, है नीचे की तरफ सिक्स बेसल सेल्स से है और नीचे एक वेस्टिकल है तो जो बेसल सेल्स है और वैस्टिकल दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे सस्पेंसर अब जो सिक्स सेल्स है उसमें ऊपर की दो सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाएगी और कितने सेल्स बना लेगी एट सेल्स बनाएगी तो ये जो पूरा पोर्शन जो होता इसको है इसको ऑक्टेंट कहते हैं नीचे का जो वैस्टिकलेन दोनों को मिलाकर सस्पेंसर कहेंगे और सबसे ऊपर की जो सेल्स होती उसको है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं इस हाइपोफाइसिस में एक डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स बनती और ऊपर की तरफ देखेंगे तो चार सेल्स से, चार सेल्स होती है जो पेरिक्लिनल डिवाइड होगी पेरिक्लिनल डिवाइड होगी तो बाहर की तरफ चार सेल बन जाएगी और अंदर की तरफ चार सेल्स बन जाएगी जो बाहर की तरफ चार सेल्स बन जाएगी वो क्या बनाएगी डर्मेटोजन आउटर लेयर अब अंदर की तरफ जो चार सेल्स है उसमें ऊपर की दो सेल्स अगेन एंड अगेन डिवाइड होकर पूरा स्ट्रक्चर सेल से फॉर्म कर लेगी लेकिन जो नीचे की दो सेल से रिमेनिंग रहेगी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो ऑक्टेंट होता है, मतलब जो, तो जो चार सेल्स होती है हो और, हो और जो वेस्टिकल होता है वो क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऊपर की जो रिमेनिंग सेल्स थी दो जो टर्मिनल सेल्स थी वो कन्वर्ट हो जाती पेरिब्लेम में तथा प्लीरोम के अंदर और बाहर की तरफ जो होता है वो डरमेटो होता है इस तरह ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो है नीचे वाला जो पोर्शन होता इसको है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है सस्पेंसर होता है ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है कॉटिलीडंस वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर वाला पोर्शन के लाएगा नीचे वाला रेडिकल के और जो वेस्टिकल होता है धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है